अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी 10 मिनट हुए हैं, मेरे हस्बैंड ऊपर आए हैं और उन्होंने बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान से बच गया। तीनों बच्चे साथ थे, मेरे हस्बैंड भी खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है, तीनों खैर व खैरियत से हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर मुजम्मिल से कि गाड़ी को कैसे क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं कल शाम को ऑटोबान पे जा रहा था और रश थी, स्लो स्लो चला रहा था तो पीछे से आगे किसी ने जो है वो टक्कर मारी। मैंने सोचा ऐसा क्या हुआ, मैंने तो इमरजेंसी ब्रेक भी नहीं मारी, फिर क्यों किसी ने पीछे ठोक दी। मैं जब उतरा और उससे पूछा तो वो कह रहा था मेरी गलती है, मेरी जो है वो चप्पल क्लच में अटक गई, इसी वजह से जो है वो उसकी गाड़ी में जो है वो आगे टक्कर मार गई। तो मैं भी फिर चुप हो गया, मैंने उसे ज़्यादा नहीं कहा। वो कह रहा था मेरी गलती है और मैं आपको बनवा के दूँगा, और इस वजह से फिर ये डिक्की भी बंद नहीं हो रही थी और डिक्की की लाइट भी ऑन हो गई और गाड़ी मुसलसल बीप कर रही थी, तो ये मसला हुआ। अच्छा जी, फिर मैकेनिक ने क्या कहा? हाँ, तो वो अपने मैकेनिक के पास लेके गया और मैकेनिक कहा कि कोई मसला नहीं है, बन जाएगी। तो उसने कहा कि बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है, फिर अभी तो शाम का टाइम है, मैं कल फ्राइडे है और जो कि मैं सैटरडे पे आ जाऊँगा, इंशाल्लाह बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा खासा नुकसान हो गया। हाँ, उसकी तो खैर मिस्टेक थी, इसी वजह से उसका भी नुकसान हुआ और मेरी गाड़ी का भी नुकसान हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि कोई नुकसान नहीं हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे सही हैं, ठीक है। ये मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद तैयब, और ये भी कल साथ था, दोनों बच्चे छोटे बच्चे भी साथ थे। मोहम्मद तैयब आप बताएं क्या हुआ? मैं अपने भाई को पकड़ के बैठा था, वो मस्तियां कर रहा था पीछे, अब मैं और बाबा बातें कर रहे थे, सीधा आगे ऐसा टक्कर लगा कि मैं तो सारा हिल गया अंदर से। यूसुफ का कोई पता नहीं था, यूसुफ तो बस सांस की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उसकी। ये दुनियावी नुकसान है, इनकी तो भरपाई हो जाती है, बस अल्लाह ताला ज़िंदगी को खैर रखे। अल्लाह का शुक्र है मेरे तीनों बच्चे खैरियत से हैं, मेरे हस्बैंड खैरियत से हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, पता नहीं किसकी दुआ की आमीन में हमारे कामयाबी का राज हो, इसलिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।